तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशंस के बारे में। अगर आप Redmi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने भी देखा होगा कभी ना कभी जब आपके फ़ोन पे कोई WhatsApp पे मैसेज आता है या कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो कुछ इस तरीके से आपका जो नोटिफिकेशन है ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाता है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, कोई भी इसे देख सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन नोटिफिकेशंस को कैसे हाइड कर सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा और इसमें आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। तो यार जरूर से वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे जरूर रहेगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी है मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन वो है MIUI 11 का। अब मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि MIUI 11 यूज़ कर रहा हूँ। अब MIUI 11 में आपको जो है नोटिफिकेशंस को कैसे बंद करना है, तो दोस्तों सबसे पहले उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों आने के बाद आप जाएंगे नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में दोस्तों जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो है लॉक स्क्रीन पर आपको जाना है। और लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगा फॉर्मेट शो नोटिफिकेशन कंटेंट, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑप्शन चूज कर लेना जो आपको परफेक्ट लगता है। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमने सेलेक्ट कर ही रखा है। सेकंड ऑप्शन है शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट, डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। तो देखिए अगर आप ये सेकंड वाला कर देते हैं तो क्या होगा, आपका जो मैसेज आएगा वो दिखाएगा जरूर कि मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, लेकिन क्या मैसेज आया है, क्या टेक्स्ट उसके अंदर लिखा है वो चीज़ नहीं दिखाने वाली। तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेटिंग को सेव करता हूँ। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि जब भी हमारे फ़ोन पर जो नोटिफिकेशन आएगा तो वो कुछ इस तरीके से हाइड हो जाएगा। दोस्तों यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे देना यार, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपके अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।